Good morning, students. My name is Mohit Saxena and my subject is Computer Applications Code 165. This is my next video of memory, and in the last video of memory I discussed about the primary memory, RAM and ROM. But in this video I will talk about secondary memory. Secondary memory, also known as non-volatile memory, and this memory is further divided into three categories. First is magnetic based, second one is optical based, and third one is flash based. So firstly I will talk about magnetic based. It uses a magnetization process to read, write, rewrite and access data. Examples are hard disk and floppy disk. ये जो मैग्नेटिक बेस्ड सेकेंडरी मेमोरी होती है, इनमें मैग्नेट्स के थ्रू डेटा को रीड किया जाता है, राइट किया जाता है, रीराइट किया जाता है या फिर एक्सेस किया जाता है. और इसकी दो कैटेगरीज होती है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क. इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ही तरह की डिस्क में मैग्नेट्स का यूज किया जाता है. लेकिन जो सेकेंड कैटेगरी है आपका ऑप्टिकल बेस्ड सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्टिकल ड्राइव्स यूज रेड लेजर, ब्लू लेजर लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू रीड और राइट इंफॉर्मेशन. एग्जाम्पल्स आर सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क. मीनिंग की सीडी, डीवीडी और जो ब्लूरे डिस्क होती है ये ऑप्टिकल डिस्क कही जाती है, और इन डिस्क में जो डेटा होता है वो लेजर लाइट के थ्रू स्टोर किया जाता है और लेजर लाइट के थ्रू ही उनको रीड किया जाता है. ये लेजर लाइट दो तरह की होती है, रेड और ब्लू लेजर लाइट. लेकिन डिपेंड करता है सीडी किस तरह की है, जिस तरह की सीडी या डीवीडी है उन तरह के ही लेजर का यूज किया जाता है. द थर्ड पॉइंट इज फ्लैश बेस्ड सेकेंडरी मेमोरी. इट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड. ये बड़ी हाईटेक मेमोरी होती है. आज के टाइम पर इन्हीं मेमोरीज का यूज किया जा रहा है. इन मेमोरीज में ना तो लेजर का यूज किया जाता है और ना ही मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है. यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिकली डेटा को इरेज किया जाता है, इलेक्ट्रिकली ही डेटा को स्टोर किया जाता है. इसके एग्जांपल्स है पेन ड्राइव्स और एसडी कार्ड्स. नाउ द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. इट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी से काफी स्लो होती है. दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली. परमानेंटली डेटा इसमें स्टोर करा जाता है. नॉन वोलेटाइल इसकी नेचर होती है. अगर पावर ऑफ भी हो जाए सिस्टम की तो अभी इसमें से डेटा कहीं नहीं जाता. सिस्टम शट डाउन कर देंगे आप तो अभी इसमें डेटा सेव रहता है. दीज मेमोरीज आर नॉट एक्सेस्ड बाय द सीपीयू डायरेक्टली. सीपीयू कभी भी डायरेक्टली इनको यूज नहीं करता है. सीपीयू को अगर अपने लिए कोई डायरेक्टली मेमोरी चाहिए होती है तो वो रैम और रोम का इस्तेमाल करता है. लेकिन ये जो सेकेंडरी मेमोरीज होती है ये सीपीयू तभी यूज करेगा जब आप कहेंगे, अदरवाइज आप विदाउट परमिशन ये कभी डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता सेकेंडरी मेमोरी को. कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी. कंप्यूटर को चलाने के लिए सिर्फ प्राइमरी मेमोरी की जरूरत होती है, रैम और रोम की. एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो दैट रैम एंड रोम बोथ आर नोन एज मेन मेमोरी. तो अगर सिस्टम चलाना है तो इनके बिना सिस्टम नहीं चल पाएगा. एंड देयर इज नो मैंडेटरी टू हैव एनी टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इन योर सिस्टम. Now the time for secondary storage devices. The first type is CD, compact disc. It is an optical storage device. It stores the data using the laser light or electromagnetic waves. CD जो होती है वो optical drives कहा जाता है, उनको optical devices कहा जाता है, और इनमें data laser light के through store किया जाता है, जिन्हें हम electromagnetic waves भी कहते हैं. लेकिन यहाँ पर जो data store, जो हम laser light का use करते हैं, वो red होती है. रेड लेजर लाइट ही डेटा को स्टोर करती है सीडी में. इट इज चीपर, काफी सस्ती होती है. स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB, काफी कम स्टोर डेटा कर पाती है. इस टाइप्स आर सीडीआर, सीडी रोम एंड सीडीआरडब्ल्यू. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री. व्हेनेवर यू परचेज एनी न्यू सीडी देन दैट सीडी इज नोन एज सीडीआर. एंड व्हेन यू स्टोर एनीथिंग ऑन दैट सीडी then it becomes CD-ROM.
तो जब भी आपने कोई नई सीडी ली तो उसे हम सीडीआर कहेंगे, और जहां आपने उसमें कुछ भी डेटा स्टोर कर दिया तो वो बन जाती है सीडी रोम। नेक्स्ट है सीडी आरडब्ल्यू, ये रीराइटेबल सीडी होती है, यहां पर डेटा को कई बार रीड किया जाता है, कई बार दोबारा से राइट किया जाता है, ये इरेजेबल होती है। सीडी का लुक कुछ इस तरह का होता है आपको, ये सीडी है एंड दीज आर डीवीडी एंड दिस इज ब्लू रे डिस्क। देखने में सब सेम होती है लेकिन इनके साइज का डिफरेंस होता है। सेकेंड इज डीवीडी, फुल फॉर्म इज डिजिटल वीडियो और वर्सेटाइल डिस्क, इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर डेंसिटी डिस्क। इसको सुपर डेंसिटी डिस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीडी के कंपेरिजन में काफी डेटा को स्टोर कर लेती है। इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ये भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी कि इसमें भी लेजर का यूज होता है लेकिन इसमें रेड लेजर का ही यूज होता है, ब्लू लेजर का इसमें नहीं होता है। इन द स्टोरेज कैपेसिटी 17 GB, 17 GB तक का डेटा इसमें स्टोर हो सकता है। इस टाइप्स आर डीवीडी आर, डीवीडी रोम एंड डीवीडी आर डब्ल्यू। वही सेम प्रोसेस है, जब भी कोई नई डीवीडी लेंगे आप तो उसको सीडीआर डीवीडी आर कहा जाता है। जैसे आपने डेटा उसमें स्टोर किया डीवीडी रोम बन जाती है वो, और डीवीडी आर एक अलग तरह की डीवीडी होती है, थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है, यहां पर डेटा को कई बार इरेज और कई बार राइट भी किया जा सकता है। द थर्ड वन इज ब्लू रे डिस्क, मार्केट में बहुत कम देखने को मिलती है, जनरल पर्पज में हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ी सी ये कॉस्टली होती है। इट यूज ब्लू लेजर टू रीड एंड राइट द डेटा, डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए यहां पर ब्लू लेजर का यूज होता है, इसीलिए इसको ब्लू रे डिस्क भी कहा जाता है। ब्लू लेजर कैन राइट मोर डेटा कंपेयर टू रेड लेजर, ये एक प्रैक्टिकल चीज है कि रेड लेजर के मुकाबले ब्लू लेजर जो होती है वो काफी डेटा स्टोर कर देती है। एंड इट स्टोरेज कैपेसिटी 25 GB, 50 GB एंड मच मोर। काफी वेरियंट्स इसके मार्केट में आते हैं, पहला वेरियंट स्टार्ट होता है 25 GB से, दूसरा 50 GB और काफी और इसके वेरियंट्स भी मार्केट में आते हैं हाई कॉस्ट पर। नेक्स्ट थिंग इज फ्लॉपी डिस्क, डिस्केट मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल मेटीरियल। फ्लॉपी जो होती है वो आपकी फ्लेक्सिबल मेटीरियल से बनी हुई होती है, काफी फ्लेक्सिबल होती है, फोल्ड भी इजीली हो जाती है। स्टोरेज कैपेसिटी इज 1.44 MB, नॉट यूज इन दीज डेज। आज के टाइम पर इन फ्लॉपीज को कोई यूज नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत कम स्टोरेज डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, यही रीजन है कि आज के टाइम पर इसको कोई यूज करता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ड डिस्क, इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑन वन और मोर प्लेटर्स। दिस इज द इंटरनल लुक ऑफ हार्ड डिस्क। एक्चुअली हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इंटू प्लेटर्स एंड ईच प्लेटर इज डिवाइडेड इंटू ट्रैक्स and each track further divided into the sectors. So it stores information on one or more platters, यानी कि एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा platters होते हैं hard disk में। आप उन्हें CD भी समझ सकते हैं कि एक से ज्यादा CDs होती हैं hard disk के अंदर। These platters are further divided into tracks, और यही जो आपके platters होते हैं, जो CDs होती हैं, ये कई सारे ट्रैक्स में डिवाइड रहती हैं, और ये जो ट्रैक्स होते हैं ये डिवाइड रहते हैं आपके सेक्टर्स में। दीज रोटेटिंग डिस्क जिन्हें हम प्लेटर्स भी कहते हैं आर कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई होती है। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन द सरफेस ऑफ रोटेटिंग डिस्क बाई मैग्नेटिक हेड्स। जितनी भी मैग्नेटिक डिस्क होती है, चाहे वो फ्लॉपी हो चाहे उसमें आपका हार्ड डिस्क हो, यहां पर डेटा को स्टोर करने के लिए एक हेड की जरूरत जरूर होती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लैश मेमोरी, आज के टाइम पर ये बहुत चल रही है। इट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। इनका सबसे जो एडवांटेज है वो यही है कि इनको बार बार आप डेटा इरेज कर सकते हैं और बार बार डेटा आप इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं। इन्हें इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती है, ये जैसे ही आप इसको प्लग इन करते हैं अपने लैपटॉप में ये अपने पीसी में, ये वहीं से इलेक्ट्रिसिटी भी ले लेती है। इट हैज नो मूविंग पार्ट्स,
इसमें कोई मूव करने वाला पार्ट नहीं होता है, अनलाइक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे कि आपके मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, उसकी तरह यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक मूविंग पार्ट नहीं होता है, ना ही कोई हेड वगैरह होता है इसके अंदर। नोर डज इट मेक यूज ऑफ लेजर अनलाइक ऑप्टिकल ड्राइव्स, और ना ही इसमें कोई लेजर का यूज करते हैं हम, जैसे सीडी और डीवीडी को डेटा राइट करने के लिए हम लोग ऑप्टिकल लेजर लाइट्स का यूज करते हैं, तो इसमें भी किसी सीडी डीवीडी की तरह इसमें लेजर लाइट्स का यूज नहीं किया जाता है। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्लैश मेमोरी इज पेन ड्राइव्स। सो इन दिस वीडियो मेमोरी हैज कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम बैक विद ए न्यू टॉपिक। Till then, stay home, take care, bye.